नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहां पे स्वागत है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 की डाउट डिस्कशन क्लास में। तो यारों कैसे हैं आप लोग, जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर के जरूर से लिखिएगा। तो दोस्तों पिछले बहुत दिनों से बच्चों की एक खास डिमांड आ रही थी कि जितनी भी DPPs, जी हाँ यारो, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो कि लाइव क्लास के बाद में बच्चों को टेलीग्राम पे सेंड किए जा रहे थे, तो सभी बच्चों की ये डिमांड थी कि एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर जो है क्लास में यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो यारो आप लोगों की सभी बातें जो है सिंकोरी की टीम ने एक्सेप्ट कर ली है और ये देखिए भैया अब मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर के हाजिर हूं। आखिर क्या इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप ही लोगों के साइंस क्लास जो है अपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के DPP 1 और DPP नंबर 2 इन दोनों के सॉल्यूशन के बारे में। टोटल जो है भैया केवल और केवल 10-11 क्वेश्चन है, अभी चुटकी बजाते ही जो है हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है जो कि डिजर्व करते थे कि कोई आए और उनके डाउट्स को पर्सनली जो है वहां पर सॉल्व करे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को आइडिया लग चुका है कि अभी अभी मैं यहां पर DPP नंबर 1 को डिस्कस करवाने वाला हूं। और हाँ यारो, जिन भी लोगों के पास अब तक अगर इस चैप्टर की DPP नहीं आई है उन सभी से जो है मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो सिंकोरी की टीम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएं और वहां से इन सभी के सभी DPPs को डाउनलोड कर लें। और देख लो भैया सॉल्यूशन तो लाइव यहां समझाए जा रहे हैं। तो अब आओ राजा और देखो भैया पहला सवाल बहुत ही आसान, आखिर क्या है ये, क्यों है ये, क्या बता रहा है ये। तो और राजा अब हम इसके बारे में जल्दी से जो है बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। ओके सर, ओके दोस्तों आपका जो पहला सवाल है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है तो करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है आखिर किस तरफ होती है। यह बहुत बड़ा सवाल है और तकरीबन सभी बच्चों का ये डाउट भी था। तो चलो दोस्तों अब इसके बारे में इसके जो है सोल्यूशन से अब हम लोग पर्दा उठा देते हैं। तो देखिए भैया अच्छे से यहां समझिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आखिर करंट की डायरेक्शन। तो देखो दोस्तों लेट से ये रहा आप लोगों के पास एक कंडक्टर, मान लेते हैं कि सर जी यहां पर जो है इस तरीके से एरो के अलोंग करंट फ्लो हो रही है। तो यारो ये चीज तो आपको बहुत अच्छी से पता होगी कि भैया क्या ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि सर करंट जो है फ्री फंड में फ्लो नहीं होती है, हमको सोर्स लगाना पड़ता है और वो सोर्स यहां पर कौन होता है, सेल या बैटरी। दोस्तों ये आखिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, भाई ये पॉजिटिव ही तो है। और दोस्तों दूसरा वाला ये वाला कौन सा हुआ, नेगेटिव। तो अब दोस्तों यही से बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो कंडक्टर में जो करंट है वो हाई पोटेंशियल टू लो, क्योंकि पॉजिटिव को क्या बोलते हैं दोस्त, हाई, और दोस्त नेगेटिव को यहां पर किस नाम से जो है जाना जाता है, लो पोटेंशियल के नाम से। अब एक बहुत छोटी सी बात, ये पॉजिटिव है, ये जो चार्ज को धक्का देगा, तो यारो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों आखिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है आखिर किसको धक्का देगा, सर ये पॉजिटिव आयंस को ही क्या देगा, धक्का देगा। यानी दोस्त अगर करंट उधर जा रही है तो पॉजिटिव चार्जेस भी उधर जा रहे हैं। तो सिंपल सा लिख के आइए ना कि कंडक्टर के अंदर अपने पास करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, तो यहां बताना पड़ेगा अलोंग द मोशन ऑफ क्या, इलेक्ट जो है अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो या तो आप ये लिख करके आएंगे कि भैया पॉजिटिव चार्जेस के मोशन के अलोंग करंट फ्लो होती है, या फिर इसका उल्टा लिखो ना यार, सिंपल सी बात, अगर पॉजिटिव वहां जा रहा है इसका मतलब नेगेटिव इधर आ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, इधर, या फिर इसी चीज को उल्टा लिख करके आएंगे और करके कि ऑपोजिट टू क्या लिखे आओगे, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर ये आप लोगों के पास कंडक्टर है, यहां पर करंट इधर जा रही है,
पक्की बात कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इधर। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बताओगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट, या फिर क्या बोलोगे, पॉजिटिव चार्जेस के मोशन के अलोंग। सिंपल रे, हो गया रे, जस्ट चिल। अब बढ़ते हैं जी आगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1, तो चले आगे। हाँ सर, चलो 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 चलो। तो दोस्तों अब बात करेंगे भैया दूसरे क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा सा, राज दुलारा सा, निराला सा सवाल क्या है, स्टेट वेदर द करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये बताना है कि ये जो आपकी प्यारी निराली सी इलेक्ट्रिक करंट है, क्या आखिर ये स्केलर है कि वैक्टर है। सही है। अब सर स्केलर वैक्टर क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चेंज करना पड़ता है। सही है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर। जैसे आपकी स्पीड है, अब स्पीड को चेंज करना है या तो ब्रेक लगा दो या फिर एक्सीलेटर जो है उसको घुमा दो। सही बात है कि नहीं, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो सर फिर ये वेक्टर क्या होती है, ये वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको अगर तुम्हें चेंज करना है तो या तो डायरेक्शन बदल दो या फिर जो है मैग्नीट्यूड बदल दो, तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। तो सर करंट क्या है, तो दोस्तों मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे ये पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है और नीचे मुन्ना सोता है। हाँ सर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सर देखो, अगर इस पंखे में यहां से यू करंट आई तो भी भैया ये तो घूमेगा ना, आया ना, ऐसे ही घूमेगा। अब अगर ये करंट ऐसे नहीं आकर के, ये ऐसे नहीं आकर के अगर यही करंट इस तरफ से आती तो भी तो पंखा ऐसे ही घूमता ना। अरे हाय ना, अरे घर पे पंखा है क्या, है जरूर से होगा। तो करंट चाहे ऐसे आए चाहे फिर यहां से आए, कहीं से भी आए, पंखा तो ऐसे ही घूमेगा ना, उल्टा थोड़ी घूम लग जाता है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर, अगर करंट की हमने डायरेक्शन भी चेंज करी तो भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है। ये क्या है दोस्त, ये करंट है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हो गया। हाँ दोस्तों, अगर इन सबको समझाने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कोई से भी शंका हो, कोई सा भी डाउट हो, तो सिंपल है रे, कमेंट सेक्शन पे आओ, कमेंट करो रे। हो गया ये, चलते हैं आगे। 3, 2, 1, स्क्रीनशॉट ले लो। से 3, 2, 1, ओके सर, ओके। अब चलो आगे चलेंगे सर, जिंदगी में भी और हमारे कॉन्सेप्ट में भी। तो दोस्तों देखो आखिर अब अपने पास अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, चार्ज की और करंट की एसआई यूनिट बताओ। तो बता देंगे यार, सिंपल है, चार्ज को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से, पहली चीज। और दोस्त करंट को मेजर करने की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। सिंपल, किसने बनाया रे फर्जी क्वेश्चन। माना दोस्तों जो है क्वेश्चन फर्जी है, लेकिन जो है मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यारो एक एक जो क्वेश्चन है ना सभी के लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत एकदम सिंपल सा था, हमने कर लिया। अब हम जो है मूव ऑन करेंगे अगले सवाल पर, देखते हैं भैया कौन सा है अगला सवाल। कैलकुलेट, अरे अरे कहां गए, कहां जा रहे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऐसे भगना नहीं चाहिए, बच्चे हैं भैया, ऐसे भगिए मत। देखो एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा यारो तुम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। सही है, आखिर क्या कह रहा है, अभी इसको पढ़ते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग जो है 1 कूलाम चार्ज। आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज आया है, अगर 1 कूलाम चार्ज है यानी अभी पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है ना भाई, आगे कोई साइन नहीं यानी कि पॉजिटिव है। अब किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि तुमने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो यही पूछ रहा है ना कि अगर इस पे 1 कूलाम चार्ज में लाना चाहूं तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन छीनूं, यही निकालना है। ठीक है, हम हैं इसके लिए बेहद सस्ता सा फॉर्मूला, Q is equal to Ne। अब तुम्हें अगर किसी बॉडी पर जो है चार्ज चाहिए तो या तो उसको इलेक्ट्रॉन दोगे या उसे इलेक्ट्रॉन लोगे, तो उस बॉडी पर कौन सा आएगा है? अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो दोस्त बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यही होगा। अब सर यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है सर, हमने कर दिया पॉजिटिव।
तो भैया किसका जो एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसी पर बेस पता। भाई जैसे सिंपल सी बात है कि तुम ऐसे मार्केट में गए, तुमने टॉफी खरीदी है, तो एक टॉफी का प्राइस क्या है ई है, और मान लो सपोज तुमने एन टॉफीज खरीदी है तो कितने रुपए दोगे, एन इंटू ई। सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात है, राइट। तो बस इसी फिनोमिना को, इसी कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को समझना है दोस्त। क्यू कितना है, 1 कूलाम। एन निकालना है दोस्त, ई कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। दोस्त कूलाम से कूलाम खत्म, एन बराबर कितना आ गया, 1/1.6 × 10⁻¹⁹। और यार आपको सिंपल सी मैथ है, तुमको भी लगानी चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 6.25 × 10⁻¹⁸। बस नंबर है ना, क्या नंबर की भी तुम यूनिट निकालोगे, क्या 2, 3, 4, 5 की बेट पेटा यहाँ पे कोई यूनिट होती है, नहीं होती। दोस्तों ये रहा तुम्हारा सवाल और सवाल का जवाब, ले लो भैया स्क्रीनशॉट फटाफट और चलेंगे आगे 3, 2, 1। लेकिन हाँ दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही डीपीपीस को डिस्कस करने वाला हूं, 1 और 2। सर बाकी कब करोगे, बाकी अगले वीडियोस में करेंगे, अगर एक में कर देंगे तो फिर बच्चा बोर हो जाएगा, होएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर के हमको बता दीजिएगा, हम कमेंट जरूर से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे 3, 2, 1। अच्छा आओ सर, कौन से वाले पे आइए, अब आइए 5th पे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो दोस्तों मैं 5th क्वेश्चन को समझा रहा हूं, क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर अच्छा इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यानी इतनी करंट जो है 10 मिनट के लिए तुमने बल्ब के फिलामेंट से गुजारी। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू दिस सर्किट। भाई तुमने, सिंपल सी बात है, तुमने एक बल्ब ऑन किया, बल्ब कितने मिनट तक भैया ऑन है, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक बल्ब चल रहा है, यहां भी कई सारे बल्ब जल रहे हैं, सही है, यहां क्वेश्चन में एक बल्ब चल रहा है, 10 मिनट तक जल रहा है, 10 मिनट तक बल्ब जला है, और उस बल्ब से कितनी करंट पास हुई है, 3.2 एम्पियर। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताइए कि आखिर यहां से कितना चार्ज जो है गया है, चलो बताओ फटाफट से, अभी बता देंगे सर, चिंता की कोई बात नहीं है। सर कैसे बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आई बराबर क्या होता है, Q/T के, भाई पढ़ाया है ना, नेट चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, सही है, कि एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा, हिंदी में भी समझाए, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है नहीं, टाइम पूछ रहा है नहीं, चार्ज पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो क्यू बराबर आई इंटू टी होगा, होगा ना होगा, बिल्कुल यही होगा। रोज करंट यहां पर कितनी है, इट इज ओनली 3.2 एम्पियर, सही है, और दोस्त टाइम कितना है, 10 मिनट। अब कई लोग यहां पर 10 को 10 लिख देते हैं, तो क्या 50 लिखे, अरे आगे मिनट दिया है, तुम्हें सेकंड में लिखना है, क्योंकि हम सारा काम SI यूनिट में करते हैं, टाइम को मेजर करने की SI यूनिट सेकंड होती है, याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहां पे टाइम कितना, 10 मिनट, तो 10 × 60 सेकंड में हो गया, बस अब इसको मल्टीप्लाई तो कर लेना आ जाएगा, तो इतने कूलाम तुम्हारे पास जो है चार्ज क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 का जो है जवाब, अब चलते हैं आगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओ हो, क्या पूछ रहा है, अभी हम बात कर लेंगे, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देख रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन है, तुच्छ क्वेश्चन से जल्दी जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। देखो फटाफट से आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, सिक्स क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी, उसके बाद डीपीपी नंबर 2 चालू कर देंगे। क्या कह रहा कि इन क्वेश्चन नंबर 5 यानी इससे पिछले वाले में, ऑल्सो फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस सर्किट। यहां पासिंग भी आना चाहिए, या पासिंग थ्रू दिस सर्किट, कि ठीक है भैया तुमने चार्ज निकाल लिए, पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले, चार्ज, इसमें क्या पूछ रहा है कि चलो ये बताओ, चलो मान लिया कि वो वाला चार्ज वहां से गुजरा है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया कि क्यू बराबर एनी, अब दोस्त क्यू कितना है, अभी थोड़ी देर पहले जो है हम वैल्यू निकाले, आप चाहे तो मुझे थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं कितना था, 3.2 × 10 × 60 इतने कूलाम था। हाँ अब बेटा तुम्हें एन निकालना है, नंबर की, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो बेटा ई की क्या वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो यारो कूलाम से कूलाम खत्म, फिनिश, बर्बाद, किसी को पता नहीं लगेगा दोस्त। 1.6 से ये कितनी बार, 2 बार, सही है,
हो जाएगा इतना। अब देखो भैया इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2 = 12 है ना, और ये 1 × 2 वो देखो नीचे आएगा -19 है, यहाँ पे ये ऐसे आएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो दोस्त ये क्या हो गया 19। अब दोस्त क्या करो, इसको और सिस्टमैटिकली लिखना है तो लिखो 1.2, ये 1, 2, 3, 3, 0 उसके साथ तो कितना हो गया 19 और 3 कितना होता है 22, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरे, बाप रे, मतलब सर ये तो बिलियंस को भी आप जो है सॉरी ट्रिलियंस को भी ट्रिलियंस से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी तुच्छ वस्तु होती है। सर आप कैसे मालूम, इतने से कूलाम के लिए भी इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन गुजर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई औकात ही नहीं रहे भाई। चलो कोई ना, तो इसी के साथ डीपीपी नंबर 1 खत्म है, लेकिन रुकिए जरा, अभी तुरंत हम लोग डीपीपी नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, से 3, से 2 या 1, और चलो देखो इसके आगे और रजा जल्दी से। और हाँ दोस्तों एक और सबसे खास बात कि बच्चों की खास डिमांड आ रही थी कि सर वन शॉट रिवीजन भी हमको जरूर से कराना, तो दोस्त जल्दी आप लोगों को इसी विंटर ब्रेक में उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को वीडियो जरूर से देखने को मिलेगा। ये सब हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, सिर्फ आपके लिए, और इन सबसे जुड़ने का, इन सबके बेनिफिट उठाने का दोस्तों चार्ज क्या है 0। तो यार फ्री में ऐसी सर्विस मिल रही है, मजा लूट लो भैया, एकदम मजा लूट लो, सही है। तो आ जाओ देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर सॉरी डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, सही है भैया। देखो आवाज सब कुछ बराबर आ रही होगी, सब कुछ चकाचक चल रहा होगा, तो आओ मेरे साथ और सुनो क्या कह रहा है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 15 वोल्ट बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी चार्ज गुजार रही है। पूछ रहा है कि बताओ ये ईच कूलम पे कितना वर्क कर रही है। तो अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की डेफिनेशन पर, सही है मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि कोई बैटरी है, सपोज ये 3 वोल्ट की है, इसका क्या मतलब है, अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब ये पर कूलाम पर कितना वर्क कर रही है, वर्क ऑन 1 कूलाम या पर कूलाम, इसका मतलब ये पर कूलाम, क्योंकि 3 वोल्ट की है तो पर कूलाम पर करेगी 3 जूल, जूली नहीं जूल। अच्छा तो सब मान लो कि कोई बैटरी सपोज जैसे मान लो जो है 6 वोल्ट की होती तो ये कितना करती, अगर 6 वोल्ट की है इसका मतलब ये पर कूलाम पर कितना वर्क कर रही है, फटाफट बोलो बोलो बोलो, 6 जूल, जूली नहीं जूल। तो सर ये बैटरी 15 वोल्ट की है तो पर कूलाम पर कितना करेगी, सर्व सब तो हम खुद ही कर लेंगे दोस्त, कितना आएगा, अरे 15 जूल हो गया, खत्म फिनिश। अब कई लोग बोलोगे सर अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो, आओ बेटा हम तुम्हारे साथ, तुम क्यों घबरा रहे हो, इधर आओ, क्या पढ़ाए हैं, V = W/Q पढ़ाए हैं। हाँ सर, सर देखो V की वैल्यू कितनी 15 वोल्ट, हमको W निकालना है, वर्क निकालना, चार्ज कितना 1 कूलाम, अंकल बोले हैं पर कूलाम, तो बेटा यहां पे लिख दिया 1, तो W बराबर कितना है 15 × 1 यानी कितना हो गया 15 वर्क यूनिट जूल। आंसर ऐसे भी वैसे भी सही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और चलो तुरंत आगे डिचिक डिचिक करके आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1, ठीक है सर फटाफट अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, ये सवाल एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। ड्रॉ दी करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अबव अरेंजमेंट, इनके मुताबिक ये सर्किट है और इनको लगता है कि ये गलत है, इसको सही बनाओ। तो सर सोचते हैं सर क्या, सर देखो बैटरी वगैरह तो सही लगी है कि मैं क्या देखना, कुछ भी नहीं देखने का, रजिस्टर का क्या, ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो। कई लोग बोलते हैं 1 रजिस्टर 2 ओम ऐसे जोड़ा है, अब इसको ऐसे उल्टा जोड़ दूं तो बताओ अब कितना रेजिस्टेंस, कैसी बातें करते हो। मान लो कि तुम एक सड़क पे जा रहे हो, वहां पे बीच में स्पीड ब्रेकर है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जाएंगे तब भी स्पीड ब्रेकर, ऐसे आएंगे तब भी स्पीड ब्रेकर, कोई फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस अपनी जगह सही, ये की सही बैटरी से, किसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, सही है। सर वोल्टमीटर देखो इन्होंने कहां जोड़ दिया, सर वोल्टमीटर क्या करता है, 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, अगर वोल्टमीटर को यहां लगा दोगे तो करंट को गुजरने ही नहीं देगा ना, तो यह वोल्टमीटर यहां नहीं आए। दूसरी बात सर करंट अमीटर क्या करता है, अमीटर तो करंट को मेजर करता है, तो बीच रास्ते में लगाओ ना भाई, हाँ है ना, सही है कि नहीं।
भाई ऐसे मान लो पुलिस वाले हैं चेकिंग के लिए खड़े हैं तो सड़क पे ही तो खड़े होंगे आया ना, तभी तो पता लगेगा कि कौन आया कौन गया। अभी मान लो उनको पता लगे कहीं से ड्रग्स आ रही है किसी गाड़ी में, तो क्या करते हैं वो जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाते हैं, तो सड़क पर ही लगाते हैं ना। तो यारो इस अमीटर को यहाँ नहीं, अमीटर को कहाँ लगाओ, इधर। और बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, इस वोल्ट मीटर को कहां लगाओ, इधर, मतलब इसके पैरेलल में लगाते हैं। आई बात समझ में? डिटेल में हम तुमको लाइव क्लास में पढ़ाए थे, झूठ मत बोलना, हम पक्का पढ़ाए हैं, सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो आगे, 3 2 1 फटाफट, चलो 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 चलो। हाँ वाह वाह, क्या क्वेश्चन दिए हो, देखो क्या बोल रहे हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करो। सर अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी डीपीपी का पहला क्वेश्चन समझाया था, जहां पे 15 वोल्ट का क्या मतलब था कि वो पर कूलाम पे कितना वर्क कर रही है, 15 जूल। तो दोस्त 1 वोल्ट का क्या मतलब है, अरे सर इतना फर्जी, इतना फर्जी, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 जूल वर्क इज डन किसके ऊपर, ऑन 1 कूलम चार्ज, दैट्स इट, यही मतलब होता है 1 वोल्ट का। सर कितने सस्ते क्वेश्चन है दोस्त, सस्ते ये तभी बनते हैं जब तुम मेहनत करोगे, लाइव क्लास में रेगुलर आओगे, डीपीपीज को सॉल्व करोगे। और दोस्त तुम्हें तो नोट्स में अपने इन्हीं हाथों से लिख लिख के मैं भेजता हूं, उनको पढ़ोगे, ये सारी चीजें मिल जाएगी ना तुमको, ये सब लड्डू लगेगा, फर्जी लगेगा। अब चलते हैं जी आगे, 3 2 1 चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आ गया तो आ गया। क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो ये डिटेक्ट कर ले, जो पहचान कर ले कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। मेजर नहीं कर रहा है, ना 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 ना, मेजर नहीं कर रहा, माप नहीं रहा, सिर्फ बस बता रहा है कि है या नहीं है। दोस्तों मैंने तुम्हें लाइव क्लास में पढ़ाया था कि जो मेजर ना करे और सिर्फ पहचान करे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो आगे की कहानी, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर जिसका सिंबल जी होता है। तो सर ये अमीटर वोल्टमीटर क्या है दोस्त, गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है जब हम इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं। सर क्या चेंज कर लेते हैं, अगर तुम्हें जानना है तो इसी चैनल पर जो क्लास 12th में मैंने पढ़ाया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, ये मैंने 12th वालों को मैंने पढ़ाया हुआ है, पर वो आपके सिलेबस का नहीं है, तो सो जस्ट चिल, ठीक है दोस्त। तो चलो आगे, वो फटाफट से अगला अगला अगला, पापा पापा पापा, फटाफट। दोस्तों ये था हमारी डीपीपी नंबर 2 का आखिरी सवाल, क्या है ये, क्यों ये है, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, जो करंट बहती है सर्किट में इसकी डायरेक्शन को बताओ, कहां कहां, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बैटरी, कि बैटरी के अंदर भी बताओ और बैटरी के बाहर भी बताओ। अभी बताएंगे, पहले सर्किट बनाएंगे, ये रजिस्टर या बैटरी और ये लगा दे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सबको पता है कि करंट कैसे फ्लो करती है, कैसे करती है रे, बताओ रे सर, करंट ऐसे ऐसे ढिचिक 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 करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो भैया देखो क्या बोल रहा है, चलो आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर, तो बैटरी के बाहर यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बैटरी के बाहर कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, कौन, करंट फ्लो होती है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बैटरी के बाहर। फिर सर बैटरी के अंदर देख लो, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है, तो बेटा बैटरी के अंदर कैसे फ्लो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि लो टू हाई, बस हो गया काम खत्म। तो देख लो यारो, सिंकोरी की पूरी टीम बच्चों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है, बच्चों गिरने नहीं देगी, गलती से कहीं पे वो घबराएंगे उनको मोटिवेट करेगी, और जो वादा किया है बच्चों को, जो भी उनकी कैपेसिटी है उसके
अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स मार्क्स दिलवाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसा लगा आप लोगों को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मिलते हैं फिर एक और बार अगली और डीपीपीज के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, विंटर ब्रेक है, थोड़ा एंजॉय भी करो। बाय बाय।